अम्मी पता तो करे रूसा से, इतनी देर हो गई, आ भी रही है या नहीं? क्यों नहीं आएगी? आएगी, वलीद ने खुद कहा था। तुम्हें ऐसी क्या फिक्र लग गई है कि वो आएगी या नहीं आएगी? आपको पता नहीं है सुबह क्या तमाशा लगा है उसके ससुराल में? कैसा तमाशा? सोया ने आपको कुछ नहीं बताया? तुम बताओ ना। क्या बताऊं बेटे, मामी जान का गुरूर, तकब्बुर और उनकी हमारे लिए नफरत बिल्कुल नहीं बदली भाई। इतनी बातें सुनाई जोया को, इतनी बातें सुनाई कि क्या बताऊं। और तो और नाश्ता भी वापस करा दिया। तो वो सारा सामान? वो तो मैं अपने साथ ले गई थी, जोया ने कहा था कि आप अपने घर ले जाएं। यानी वलीद और रूसा ने उसमें से कुछ भी नहीं रखा? अम्मी उन्होंने ना डब्बे भी खोलने नहीं दिए। आप खाने की बात कर रही हैं? और वली, उसने क्या कुछ भी नहीं कहा? बहुत डरता है अपनी माँ से, एक लफ्ज जो बोला उसने। ये सब तुम मुझे अब बता रही हो? तो मुझे लगा कि जोया ने बता दिया होगा आपको। चलो जो भी है, लेकिन अब वलीद के सामने सुबह की बात का कोई तस्करा ना करना, और उसकी माँ की बुराई तो हरगिज़ ना करना। ये तो खूब कही आपने, मारे भी और रोने भी ना दे, क्या बात है। जिसने मार खाई है ना वो खुद रो लेगा। मैं तुम्हें ये बात सख्ती से कह रही हूँ साइमा, कि तुम्हारे मुंह से एक अल्फाज ना निकले। अच्छे खासे माहौल को बिगाड़ने में उस्ताद हो तुम। मैं नहीं चाहती यहाँ से भी परेशानियाँ साथ लेके जाए। एल्फी लगा लेती हूँ अपनी जुबान पे, मेरी तो अपनी माँ ही मेरी दुश्मन है। यहाँ पे भी आके बातें सुनो और अपने ससुराल में भी बातें सुनो, बस बातें ही सुनते रहो हर वक्त। मेरे अल्लाह मेरी बेटी पे रहम कर दे, उसे सुकून दे दे मालिक।